देखो अभी सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ रहे थे, तो सेक्शन 23 में ये बता रखा है कि कौन से करार अवैध होते हैं, इलीगल होते हैं। उनमें चार पांच बातें बता रखी हैं। जो पहली बात तो थी कि जो किसी के शरीर या संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले करार हैं वो वैध होते हैं। दूसरी बात ये थी कि जो इमोरल हैं। तीसरी बात यह थी जो पब्लिक पॉलिसी के अंगेंस्ट हैं, तो वो सारे के सारे करार कैसे हैं, वॉइड हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे किसी के शरीर को क्षति पहुंचाना, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, उसकी हत्या कर दूं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड है। हत्या कर दी, वो कह रहा है कि सर मैंने इसकी हत्या की थी और ये मेरे को पैसे नहीं दे रहा। ऐसे थोड़ी केस ला सकते हो। तो ये वर्ड है सारे के सारे, ये सिंपल है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा समझने समझाने की नहीं है। जो सेक्शन 25 है, जो सेक्शन 25 टीपीए में है, वही सेक्शन 23 कॉन्ट्रैक्ट में है, वहां भी ये समझाई थी। यहाँ पे सशर्त अंतरण है का नाम दिया, यहाँ पे अवैध करार का नाम दिया। तो मैं अभी बता रहा था अंगेज टू पब्लिक पॉलिसी, तो उसने क्या कहा अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी में, क्या कहा कि भाई तुम्हारे पद को मैं ऑफिशिएट कर लूंगा, 1 लाख की जगह 25 हजार और ज्यादा दूंगा, तुम्हें जाना भी नहीं पड़ेगा, तुम जाके घर पे वीडियो गेम देखना। तो ऐसे कोई ट्रांसफरेबल थोड़ी है पद। तो जब ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सेक्शन 23 ने मना किया है, अन्यथा तो क्या होता, अपने बदले कोई दूसरे से काम करवाता। जैसे जो काम लॉ लगभग यही है, विदेशों में भी आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट आजकल यहाँ की ड्राफ्टिंग की बजाय इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, वहां की ड्राफ्टिंग, वहां के काम को कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, रात को 9-10 बजे से अपना काम शुरू करते हैं, 4-5 बजे तक काम करते हैं, और 1.5-2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीने वो इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें मिल जाते हैं। वो क्या है कि वहां से जो आउटसोर्स काम है, वहां के एडवोकेट नहीं करते भाई, सस्ते पड़ते हैं। जैसे कहते हैं ना मजदूर सस्ते, बिहार में सस्ती मजदूरी है, बंबई में मजदूरी और महंगी है, दिल्ली में और महंगी है। तो ये क्या है कि दूसरे को आउटसोर्स कर देते हैं। तो आउटसोर्स करने वाले लोग, बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ काम सर्च करती हैं जगह जगह से, और उन्होंने उन्होंने जैसे जेएलएन मार्ग पे है ना एक, क्या नाम है उसका, एक कंपनी है, बहुत सारे लोग जेएनपैक, उसका कोई काम थोड़े ही है। वो बाहर से यहाँ के, वहां यहाँ क्यों बनाए गए हो ऐसे ऑफिस, यहाँ के सस्ती मजदूर, पढ़े लिखे सस्ते मजदूर यहाँ अवेलेबल हैं, वो वहां के लोगों का काम करते हैं जो कंप्यूटर पे हो जाता है। लॉ में ये काम बहुत निकला हुआ है। बस आपके पास एक ठीक ठाक अंग्रेजी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के बिना और कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बिना नहीं होता। वैसे बहुत जल्दी ही ये काम खत्म होने वाला है, क्योंकि एआई आने से एडवोकेट्स के काम धराशायी हो जाएंगे, जो सिर्फ ड्राफ्टिंग या इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि एआई बना देता है, थोड़े बहुत अंतर रह जाता है तो उसे अपने आप सेट कर लेता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। तो मैं क्या बता रहा था कि वहां से काम ले लेके दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो एक तरह से वो अपना काम दूसरों से करवा रहे हैं, असाइन कर रहे हैं काम को। जितने भी लोक पद वगैरह हैं उनमें आप अपने ऑफिस को दूसरे को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पब्लिक पॉलिसी है, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनके अंगेंस्ट हैं। ऐसे कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकते जो अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसीज हो, वो सारे के सारे वर्ड होते हैं। पब्लिक पॉलिसी ऐसी है ही नहीं जो इस तरह के अग्रीमेंट के लिए अवेलेबल हो। पता है देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कानून में नहीं भी ना लिख रहा हो, ये नहीं लिख रहा, ये कानून में ये लिख रहा हो, नहीं लिख रहा हो फिर भी 23 में लिखा हुआ है ना।
तो ऐसे एग्रीमेंट जो लगता है यार ये तो नहीं होना चाहिए, वो एग्रीमेंट हो नहीं सकता। जैसे ऐसे ही एक शब्द दे रखा है इमोरल, इमोरल जैसे कोई आदमी है, आगे आएगा जो वैसे इलस्ट्रेशन है, एक शब्द है कॉकुबाइनेस। कॉकुबाइनेस बोलते हैं रखेल, उपपत्नी, उपपत्नी को। कोई आदमी किसी महिला से, किसी लड़की से ये एग्रीमेंट करता है कि आप मेरी उपपत्नी के तौर पर रहोगी और हर महीने में जितने दिन रहोगी उतने पैसे दूंगा, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? सेक्शन 23 मना कर रहा है इसके लिए। क्या मना कर रहा है? देखो इमोरल की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन इमोरल काय से कनेक्ट है? 23 से। अब इसमें क्या और रह गया? एक तो विधि के प्रावधानों को विफल करने वाला, शरीर या संपत्ति को क्षति, और हाँ एक लास्ट लाइन और है, कोर्ट कंसीडर्स और रिगार्ड्स एनी एग्रीमेंट इलीगल। कोर्ट को लगता है यार ये तो इलीगल एग्रीमेंट है, तो इट सेल्फ डीम्ड इलीगल। क्या समझ में आई? कोर्ट को यदि कोई एग्रीमेंट इलीगल लगता है तो वो इलीगल समझा जाएगा। ठीक है, 23 पढ़ लिया आपने। अब देखो 23 का ही हिस्सा है 24। मान लो जैसे एग्रीमेंट का एक हिस्सा, एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट दोनों में से जैसी भी स्थिति है, एक हिस्सा, इतना हिस्सा तो इलीगल है और इतना इलीगल है, और लीगलों को इलीगल को अलग अलग किया जा सकता है, लीगल को और इलीगल को अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है, तो जो पार्ट लीगल है वो तो हो गया वैलिड और जो पार्ट इलीगल है वो हो गया इनवैलिड। यदि ऐसा है कि जिसे अलग अलग ही नहीं कर सकते तो होल एग्रीमेंट विल बी बिकम वॉइड, पूरा का पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। समझ में आ गया? पढ़ लिया। देखो ये क्या कह रहा है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य है, मतलब कोई भी एग्रीमेंट है उसमें कंसीडरेशन जरूरी है, क्योंकि प्रपोजल आया, कल मैंने समझाया था ना वो सर्किल, तो प्रपोजल आया तो प्रपोजल के साथ में प्रॉमिस आई, प्रॉमिस के साथ में वही कंसीडरेशन कन्वर्ट हो गया, तो कंसीडरेशन तो होना ही चाहिए, नहीं है तो मतलब ही नहीं है, खत्म हो गया मतलब। लेकिन कुछ कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो बिना कंसीडरेशन के भी हो सकते हैं, जैसे कल आपने एक एग्रीमेंट पढ़ा था गिफ्ट वाला, है ना, कौन से सेक्शन में था? 122 में, सेक्शन 122 में गिफ्ट। तो सेक्शन 122 में जो दे रखा है गिफ्ट दे रखा है, उसमें कोई कंसीडरेशन नहीं था, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विदाउट कंसीडरेशन था। तो एक तो वो पढ़ लिया आपने, इसके अलावा कुछ इसमें है कि बिना प्रतिफल के जो करार है वो वैलिड होते हैं, यहां ये एक्सेप्शन है इसका, सेक्शन 25 में वो एक्सेप्शन है। जैसे पहला है लव एंड अफेक्शन में कोई चीज दी गई है, प्रेम और लगाम में कुछ चीजें हैं और उसमें कोई देता है तो वो कैसा माना जाएगा? जैसे कल आपने देखा था प्यारे मोहन नारायणी देवी, तो कोर्ट ने माना कि भाई तुमने जो दिया ना वो तो लव एंड अफेक्शन में था, जो कुछ भी आपने दिया था वो तो लव एंड अफेक्शन में था, उसमें कंसीडरेशन जरूरी नहीं है। फिर भी उसने कहा कि मेरी तरफ से कंसीडरेशन है, तो उसे कंसीडरेशन माना गया, पास्ट कोहिबेशन को कंसीडरेशन माना गया। ठीक है, दूसरी इसमें एक केस है,
भूतनाथ मुखर्जी। वर्सेस राज लक्ष्मी, कौन सी लक्ष्मी? राज लक्ष्मी। तो राज लक्ष्मी और भूतनाथ मुखर्जी ने प्रेम विवाह किया। थोड़े दिन तो ठीक ठाक चला और थोड़े दिन बाद ही उसका भूत उतर गया, क्योंकि उनके झगड़े होने लगे। ये क्या, बैंक में काम करता था, तो इसने ज्यादा झगड़ा किया पत्नी ने। कुछ दिन तो ये मंदिर वंदिर पर रहता रहा, बाद में ये चला गया तो एकदम मंदिर पर बैठा बैठा लिखा, हे राजलक्ष्मी, तुम मुझसे लड़ती रहती हो, इसलिए जो कुछ भी मेरा है मैं तुम्हें सारा का सारा आपके नाम कर देता हूं, और मेरी जो भी पेंशन आती, वो मेरी जो भी सैलरी आती है, तो वो सैलरी भी तुम्हारे नाम। ऐसे करके रमेश, क्या बोल रहा हूँ, नींद आ रही तेरे को? एसी में, इसीलिए तो एसी नहीं लगवाना चाह रहा था। तो भूतनाथ मुखर्जी ने ये लिख दिया लेटर। तो इसमें क्या है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य है, लेकिन यदि वह लव एंड अफेक्शन में किए गए हों, और वो लिखित भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए। तो ये लिख के इसने चिट्ठी भेज दी, इसने चिट्ठी भेज दी। थोड़े दिन बाद ये फिर पुनः घर आ गया भूतनाथ मुखर्जी। उन्होंने कहा, निकलो, ये तुम्हारा है ही नहीं, अब ये सब मेरा। तो भूतनाथ मुखर्जी ने इसके ऊपर केस किया, राजलक्ष्मी के ऊपर। तो कोर्ट से, नीचे की कोर्ट से ये केस हार गया। उन्होंने कहा कि ये तो लव एंड अफेक्शन में दिया, इसे लेटर है इसका लिखा हुआ, अब ये प्रॉपर्टी इसी की रहेगी। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा, कलकत्ता हाईकोर्ट का मामला है। कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंचा, हाईकोर्ट जज ने कहा, दिखाना क्या लव लेटर है इसका जिसमें लिखा है कि मैं सब कुछ तुम्हारे। दिखाया, उन्होंने कहा, जज ने कहा कि ये कैसा प्यार है लिखा है, हे राजलक्ष्मी, तुम मुझसे लड़ती रहती हो, ये कोई लव एंड अफेक्शन है ही नहीं, ये तो लव एंड अफेक्शन के लिए बनाया था, ये लव एंड अफेक्शन नहीं है, इसलिए ये एग्रीमेंट कैसा है, वर्ड है। और ये सारा जितना भी है ना, जो कुछ भी तुमने ले लिया है, आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 64, रेस्टोर हो जाता है सब, दो इनको वापस, इनको वापस दो। ठीक है, दूसरी चीज है कि यदि पास्ट में आपने कोई प्रॉमिस की थी, आपने कोई प्रॉमिस की थी और उस प्रॉमिस के लिए कोई प्रॉमिस पहले कर दिया और वो ऐसा हो गया, जैसे मान लो एक एग्जांपल समझ सकते हैं, टाइम बार डेट है, कौन सा डेट? टाइम बार डेट, एक दूसरा पार्ट है इसका, काल बाधित ऋण है। तो इसकी स्थिति क्या है, इसमें केस है बलदेव राज SBI। तो ये बलदेव राज अग्रवाल जो था, इसने SBI से एक लोन लिया। क्या किया? लोन लिया। लोन लिया तो क्या हुआ कि बैंक दे तो दिया, कुछ दिन तक तो ध्यान रहा, बैंक खुद ही भूल गई मांगना,
और जैसे ही मांगना भूल गई तो 3 साल हुए, कितने साल, 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष में वो टाइम बार्ड हो गया, क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया, और इन्होंने देने से मना कर दिया। बाद में बलदेव राज अग्रवाल को एक फैक्ट्री खरीदनी थी और फिर SBI बैंक में चला गया, उनका लोन चाहिए था। बोले यार आपने पहले एक लोन चल रहा था हमारा, वो दिए नहीं पैसे। उन्होंने कहा सर वो तो निकल चुका, उसकी बात मत करो, नया लोन दे दो। बोले चलो नया लोन कर देते, नया लोन कर देते हैं, और पुराना, पुराने वाले का नया करोगे तो चलो उसमें एडजस्ट कर लेंगे, वो दे दूंगा, पैसे कहीं से मिल नहीं रहे थे। उन्होंने कहा ठीक, नए लोन के लिए सैंक्शन आ गया, ये फैक्ट्री खरीद रहा था। बाद में क्या हुआ, फैक्ट्री का जो तय हुआ था वो समझौता गड़बड़ आ गया, वो समझौता क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। बलदेव राज अग्रवाल ने वो फैक्ट्री खरीदने का मन त्याग दिया और बैंक को कहा कि इस लोन को रद्द कर दो, अब मैं नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है मतलब, लेकिन पुराने वाला जो रह गए हैं वो पैसे तो दे दो। तो बोले क्यों, वो तो मैं लोन ही नहीं ले रहा, तो मैं वो नहीं दूंगा। तो फिर बाद में बैंक चली गई कोर्ट में, कोर्ट ने कहा अब टाइम बार्ड नहीं है, यदि पुराना जो टाइम बार्ड डेट था वो दोबारा से यदि एस कर लिया है ना तो नए सिरे से लिमिटेशन प्रारंभ हो जाती है, वो कंसिडरेशन वॉइड नहीं होता है। और तीसरा, तीसरा क्या है, क्या, हाँ देखो, पास्ट में आपने कभी कुछ कह दिया है ना किसी के लिए, जैसे एक लड़का आया आपके यहाँ, उसको खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी फीस भी भरी, सब कुछ भरा, मैजिस्ट्रेट बन गया, उससे कहा कि भैया पैसे तो दे दे। बोले अब तो मैं कुछ नहीं दे रहा, तो वो देने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, वो स्वैच्छिक तौर पर की हुई कार्य थे, वो स्वैच्छिक तौर पर दिए हुए कार्य, और कौन सा रहेगा इसमें, तीन है ना। अब देखो इसमें तीन ये हो गए, एक गिफ्ट हो गया, कितने हो गए, 4, और एक कॉन्ट्रैक्ट और है, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी तो ये 5 बिना कंसिडरेशन के। अब देखो 26 से 30 तक, 26 से 30 तक, अब फिर सेक्शन 10 पे चलोगे तो सेक्शन 10 ने कहा सभी करार संविदा है यदि वे विधिपूर्ण प्रतिफल। तो सेक्शन 23 में देखा था कि कौन सा कंसिडरेशन लॉफुल है कौन सा नहीं है, तो जो कंसिडरेशन इलीगल एग्रीमेंट पर पड़े थे ना अभी, तो चूंकि उनका कंसिडरेशन भी इलीगल ही था, तो जो कंसिडरेशन इलीगल है तो विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हैं, किसके लिए किए गए हैं, विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण के, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ कॉम्पिटेंट पार्टी फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी कैसा दिया जाना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, उसके हाथ पैर तोड़ देना मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तो वो लॉफुल कंसिडरेशन वाली बात थी। दूसरी, जैसे एक आदमी है लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा और समझ लीजिए, एक आदमी है वो कहता है देखो हम तुम्हें जॉब पर रख लेंगे। बोले सर काम क्या है, बोले कोई काम नहीं है, एक ही काम है, रोजाना शाम को जाना है और बस स्टैंड पर जो जो लोग बड़ी बड़ी जेब वाले दिखे उनकी जेब काट ला दी,
और मेरे को पैसे जमा करा देना, इतने रुपए तनख्वाह दूंगा। तो वो एग्रीमेंट कैसे होंगे? वर्ड। कोई कहेगा चलो एक डकैती बना लें कि एसोसिएशन रख लेते हैं, बना लेते हैं, डकैती बनाने के लिए हम लोगों को रख लेते हैं किराए पर, तो वो कैसे कहलाएंगे? वर्ड। ऐसे ही एक आदमी है, मान लो मैंने बहुत सारे लोग रख रखे हैं और तनख्वाह के तौर पे, तो जब भी कोई कहता है यार तनख्वाह, तो बड़े बड़े पैसे वाले रख लिए, भाई मैंने कहा तनख्वाह के तौर पर मैं तुम्हें हमेशा कोई ना कोई चीज दूंगा, पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब लोग तैयार हो गए, उन्होंने कहा ठीक है सर चीज दे देना, लेकिन जितनी आपकी तनख्वाह उससे ज्यादा की चीज होगी। बोले ठीक है। अब मान लो मेरे पास चोरी की एक एक तोले की सोने की चैन रखी हुई है, 50 चैन रखी हुई है। तो मान लो मैंने 75,000 रुपए में किसी आदमी को रखा है, उनका ले एक तू रख। बोले सर कहां से लाए इतनी चैन? मैंने कहा सब चोरी करी थी। अब मैं चोरी की चीजों को उनको दे रहा हूं, तो कैसा कंसिडरेशन है? अनलॉफुल कंसिडरेशन है वो। फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, फिर कहता है नॉट डिक्लेयर वर्ड बाई दिस एक्ट और एनी अदर एक्ट। तो क्वेश्चन आता है कि which type of agreements are declared void? कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जिन्हें void declare already कर रखा है? जैसे सेक्शन 26 है। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 26 की हेडलाइन क्या है? Restraint to marriage, an agreement which restraint to marriage are void, ऐसा करा है जो विवाह में अवरोध पैदा करता है, वो करा शून्य है, विवाह में अवरोध करने वाला। जैसे ये केस पढ़ा है क्या, नरगिस दत्त और वर्सेस इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया, तो उसमें क्या है कि वो पहले क्या है कि एयर इंडिया ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती थी कि जो लड़की हमारे यहाँ जॉब करेंगी वो गर्भवती नहीं होंगी और शादी नहीं करेंगी। तो शादी नहीं करेंगी तो एक तरह से वो विवाह अवरोधी करार हो गए कि नहीं हुए? तो विवाह अवरोधी करार वर्ड है सेक्शन 26 में, हाँ, लेकिन लिमिटेड है कि भाई ठीक है अभी विवाह मत करो, 25 साल की एज में कर लेना, तो वो वैलिड हो जाएगा। ऐसे ही सेक्शन 27 है। सेक्शन 27 कहता है व्यापार अवरोधी करार शून्य होते हैं। कौन से करार? जो व्यापार में अवरोध करते हो। अब देखो व्यापार में अवरोध, जैसे एग्रीमेंट कर लो, जैसे एक आदमी ने एग्रीमेंट किया, दो दोस्त थे, अच्छा ठीक है तुम्हारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चलने लगेगा, तो तुम मेरे एरिया में इंस्टीट्यूट मत खोलना। तो ये संभव है कि एक एरिया फिक्स कर दिया जाए, लेकिन तुम कहीं इंस्टीट्यूट मत खोलना, तो ये कैसा हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। लेकिन जो गुडविल है, गुडविल वाले मामले इसके अपवाद हैं। क्या है? एक्सेप्शन है। आपने किसी की गुडविल ले ली और गुडविल के आपने दाम दिए हैं और फिर थोड़े दिन बाद ही वो उसी गुडविल को दूसरा यूज कर रहा है, तो वो कैसे करने दोगे? वो नहीं करने दोगे। तब वो ये नहीं कह सकता कि व्यापार में अवरोध उत्पन्न करने वाले करार शून्य है। 28 में क्या है? हाँ, ऐसे ही सेम है। लीगल प्रोसीडिंग्स को रोकने वाले एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। मान लो ये तो कर सकते हो कि साहब इसमें एग्रीमेंट किया आपने कि इसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा, तो ठीक है आर्बिट्रेशन क्लॉज है, आर्बिट्रेटर से अपॉइंट कर, लेकिन
हमें आप में कोई डिस्प्यूट हो जाए तो तुम कहीं कोर्ट में केस ही नहीं करोगे। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। कैसा एग्रीमेंट है? वॉइड है। इस तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हो कि मान लो इसका ज्यूरिडिक्शन जयपुर रहेगा, इसका ज्यूरिडिक्शन कहाँ रहेगा, एक निश्चित स्पेसिफिक एरिया घोषित किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकते कहीं नहीं रहेगा, किसी भी कोर्ट में आप नहीं जा सकेंगे, वॉइड है। कौन सा सेक्शन हो गया? 28। और एक 29 जो एम्बिगुअस नेचर के एग्रीमेंट होते हैं। कौन से नेचर के? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस समझते हो क्या? अनिश्चितता वाले, जिसमें चीजें अस्पष्ट होती हैं, वो वर्ड होते हैं। अनिश्चितता जैसे तुम खूब पैसे वाले हो जाओगे तब मुझे 1,00,000 रुपये महीना देंगे। अच्छा कब खूब पैसे? इसका मापदंड ही नहीं है खूब का। तुम कह रहे हो खूब, वो कह रहे अभी खूब नहीं हुए, तो खूब का मापदंड नहीं है। तो जितने भी एम्बिगुअस नेचर के हैं, एम्बिगुअस मीनिंग के हैं, एग्रीमेंट कैसे होते हैं? वर्ड होते हैं। और सेक्शन 30 वे ऑफ वेजर, बाजी के करार शून्य होते हैं। कौन से करार? बाजी। बाजी का मतलब होता है, बाजी का मतलब होता है शर्त। इस तरह की शर्त, पाकिस्तान जीत जाएगा, जैसे कहते हैं स्पेकुलेशन, सट्टा चल रहा है ना, सट्टा। अभी कांग्रेस की इतनी सीट, इसकी इतनी सीट, तो सट्टा बाजार जो कह रहा है वो सट्टा है क्या? सट्टा या स्पेकुलेशन, वर्ड है वो। जैसे वहां एक चिड़िया बैठी है, मैं कहूं इधर जाएगी, आपको इधर जाएगी, वो कैसा हो जाएगा? लेकिन ध्यान रखना, इसी के आगे जैसे कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करता है, वो वैलिड है। तो क्या समझ में आया? कि बाजी के करार शून्य होते हैं, लेकिन बाजी के करार में जैसे अच्छा चलो ठीक है, दोनों 50,000 रुपये रखो, दोनों की तुम्हारी कुश्ती होगी, कौन जीतेगा? तो जिसको दे दिए ना 50,000 दोनों ने 1,00,000, अब आप उससे वसूल और नहीं कर सकते। मतलब सट्टा लगा दिया और फिर कहो सर हमने सट्टा लगाया था, इसकी इतनी सीट आएंगी, और हम सट्टा जीत गए, इतनी सीट आ गई, अभी हमारा पैसा नहीं दे रहा है, ले नहीं सकते। बाजी के करार में दिया हुआ धन वापस नहीं ले सकते। पढ़ लो सेक्शन 30, सेक्शन 30 पे आ जाता है कभी कभी। तीस और 28 पढ़ना, इसमें दो सेक्शन संभावना रहती है।